इस वक्त मैं खड़ा हूँ सर्विस रोड पर जिला न्यास के पास है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड बनाया गया है। और ये बाइक चालक वाले को आप देखिए, ये आ रहे हैं यहाँ से सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसके आगे जब वो जा रहे हैं यहाँ से रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि नगर निगम अब तक यहाँ पर न्यायालय परिसर में जो सर्विस रोड को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उसको अभी तक सकाए। और मेरे सामने आप देख रहे हैं ये न्यायालय का परिसर है, और यहाँ से सर्विस रोड जाना प्रस्तावित है। 4 साल करीब हो गए हैं, अब तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है। अब तक परमिशन नहीं आई है कि सर्विस रोड को बढ़ा करके इस न्यायालय परिसर से निकाल करके जनता को राहत दी जा सके। इसके कारण सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक ये सर्विस रोड से आते हैं, और इसके बाद में इस रास्ते से रॉन्ग साइड होते हुए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं और जाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड जा रही है, क्योंकि आगे सर्विस रोड बंद हो चुका है, आगे बना ही नहीं है। ऐसे में जो यहाँ से स्कूली बच्चे निकलते हैं या ये जो मोटरसाइकिल चालक या वाहन चालक निकल रहे हैं, इनकी जान को खतरा होता है, क्योंकि यहाँ से रॉन्ग साइड होकर जाते हैं। यहाँ पे मार्ग काफी संकरा है, और न्यायालय से आने जाने वाले लोगों के कारण यहाँ पर काफी भीड़ भी रहती है। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि 4 साल होने को आए हैं, ये जनता की सुविधा के लिए बनाए जाने वाला जो सर्विस रोड है, अब तक इस परिसर से क्यों नहीं गुजर पाया, अब तक नगर निगम परमिशन क्यों नहीं ले पाया है, इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। देवास लाइव के लिए सौरभ से चल। सर, सर्विस रोड का कुछ हिस्सा अभी बनना बाकी है जहाँ पर न्यायालय परिसर आ रहा है, उस मामले में सर कहाँ तक नगर निगम ने आगे कार्रवाई की? देखिए, जो माननीय जिला न्यायालय है उसमें से जो सर्विस रोड का पार्ट हमारा जा रहा है, उसके संबंध में हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध करा था। उनके द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय को एक प्रकरण प्रेषित किया गया था। वहाँ से जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ से उस संबंध में कुछ पत्राचार अभी चल रहा है। इस दौरान में कुछ स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा उस संबंध में कुछ PIL भी दाखिल की गई है, तो उसकी भी समझौता अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो क्लियर होता है तो वहाँ पर अगर हमें न्यायालय से अनुमति मिलती है तो हम उसमें फिर ग्राउंड निर्माण कर सकेंगे। पूर्व में न्यायालय की अनुमति से हमने वहाँ पर पानी की पाइपलाइन और सीवरेज लाइन का कार्य तो करा था। जी सर, जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है कि वहाँ तक जाती है उसके बाद रॉन्ग साइड में चलना पड़ता है, निराकरण होने की कब तक उम्मीद है सर? देखिए, हमारे स्तर पर ये मामला अभी लंबित नहीं है। जो भी निर्णय लेना है वो माननीय न्यायालय को लेना है, तो हमारा भी प्रयास है कि हम पुनः उन लोगों से अनुरोध करें कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कर दें। जो जैसा आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से अब चूंकि सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया है, और इसके लिए आवश्यक भी है कि जो हमारा मास्टर प्लान का रोड जो है उसका निर्माण हो सके।